अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पिगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि पिगमेंटेशन आपको क्यों होती है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसके काजेस क्या हैं। काजेस क्या है, जब हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई नहीं रहता, मतलब साफ़ नहीं रहता, तो हमारे स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर ब्लैक स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, मलाजमा कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज़, मतलब और भी अगर हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये ब्लड प्योरीफिकेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और सन एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, मलाजमा है, तो ये सब इसके काजेज़ हैं। सबसे पहले मतलब आपने क्या करना है, इसको अगर ट्रीट करना है, ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपने इसको एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत वे से इसको ट्रीट करना है। तो अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो विद इन वन मंथ आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कोई भी डॉक्टर आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको इंटरनली आपने क्या यूज़ करना है। मतलब सबसे पहले बात आती है कि अगर आपका ब्लड बिल्कुल सही रहेगा, प्योरीफाई रहेगा, तो आपको इस तरह के इश्यूज़ ही नहीं होंगे। तो उससे उसको काज करने, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि ये सिर्फ, ये मैंने खुद भी मतलब मैं यूज़ करती हूँ साफ़ी सिरप जो है, ये स्पेशली इसलिए कि पिंपल फ्री के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, एंड सेकेंडली मतलब अगर ये हमारा ब्लड प्योरीफाई रहेगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा, तो हमें मलाजमा ही नहीं होगा, पिगमेंटेशन का कोई इशू नहीं होगा। तो ये आपने यूज़ करना है। ये इसका मेथड बता देती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। मतलब मैं तो स्टार्ट में, अगर किसी को ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप इसके 3 स्पून मॉर्निंग में, 3 स्पून नाइट टाइम में यूज़ करें, ठीक है। ये तो आपकी इंटरनली हो गया, इंटरनली आपने मतलब इसको यूज़ करना है। और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्राइस आई थिंक सो कि 120 है इसकी। और सेकेंडली आपने स्किन ऑरियंट क्रीम, ये जो है ये डे टाइम में यूज़ करनी है, ठीक है, मतलब जो आपका वो डिफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर आपने ब्लैक स्कार हैं उसके ऊपर यूज़ करनी है। और ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी कि आप दिन में 2-3 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करनी, मतलब दिन में आप 1 दफ़ा यूज़ करो, बेटर है। एंड नाइट में आपने यूज़ करनी है स्किन ए क्रीम, ठीक है। स्किन ए क्रीम इतनी मतलब अगर आप इसको ट्रीट करते हो, पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हो, तो बहुत अच्छी है। अगर स्किन के ऊपर आपने इसको किस तरह यूज़ करना है कि जो डिफेक्टेड एरिया है बस उसके ऊपर यूज़ करना है, और ये नाइट टाइम में यूज़ करनी है। और इसको अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है तो आप एक दिन इसको छोड़ दो, मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे इसको यूज़ करो, तो फिर ज़्यादा अच्छा मतलब रहे, क्योंकि किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, इस वजह से इसका जो है वो इशू आना शुरू हो जाता है। तो आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, और इंटरनली और एक्सटर्नली आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब साफ़ी सिरप जो ब्लड प्योरीफाई करेगा, और ये इसको एक्सटर्नली ट्रीट करेगा, तो मतलब जल्दी आपका ये ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।